लोग, तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7:45 बजे। जी हाँ, शाम के 7:45 बजे। आज है वेडनेसडे और दिन में सो गई, और शाम को जब उठे तो पानी वानी भरना और चाय वगैरह पीना, तो इस चक्कर में फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। लेकिन फिर सोचा कि कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, और नहीं मतलब डाला नहीं था, कल मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। कल हम लोग गए थे घर पे, इसलिए फिर कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। पर कल मैंने जो है अपनी अलमारी को सेट कर दिया है काफ़ी हद तक, और आज अभी मैंने बनाए हैं राजमा चावल। तो राजमा चावल एक्चुअली में जब भी आप जो है राजमा को भिगोएं तो उसी टाइम 2 से 3 सीटी लगा लीजिए, अगर आप लेट भिगो रहे हैं। अगर टाइम से भिगो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या है थोड़ा सा लेट भिगोया था, मैंने 1 बजे के आसपास भिगोए थे और उसी टाइम मैंने 2 से 3 सीटी लगा ली थी। हम जो है राजमा चावल अधिकतर शाम को ही बनाते हैं, और तो यहाँ पे जो है राजमा चावल मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, और तो काफ़ी दिन हो गए थे राजमा चावल खाए हुए। और मैंने बताया था कि मेरी कुकर की रिंग जो टूट गई थी वो मुझे मिल, मैं हम लोग पिछली बार जब घर गए थे तो वहीं से मैं लेके आई थी, एक रिंग एक्स्ट्रा रखी थी वहाँ पर, वो फिट आ गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज राजमा बनाते हैं, और राजमा को जैसे जिस टाइम आप भिगोएं तो 2 से 3 सीटी लगा लें, जिससे क्या होता है कि शाम को जब आप उसको बॉईल करते हैं ना, तो एक तो उसमें सीटी आपको कम लगानी होती है, और दूसरा जो है वो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, इतना आपको गैस खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आप पहले रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा तेल गरम होता है उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरा, थोड़े से राई के दाने और एक तेज़पत्ता। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज और हरी मिर्च। जी हाँ, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डालेंगे, और जब प्याज और हरी मिर्च हम डाल लेंगे तो उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसके अंदर मैंने 2-3 काली मिर्च और 1-2 जो है लौंग को भी उसी के अंदर कूट लिया है। ये देखिए, इससे सब्जी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। अगर आप गरम मसाला डाल रहे हैं तो भी खुशबू रहेगी, और नहीं भी डाल रहे हैं तो भी एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है सब्जी में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। तो जैसे ही हमारे प्याज और लहसुन भुन जाते हैं इसमें मैं डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच मिर्च, या जितनी भी मिर्च आप खाना चाहें उतनी डाल सकते हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और 2 टमाटर काट के डाले हैं बारीक, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और जब तक ये मसाले भुन नहीं जाते हमें इन्हें अच्छी तरह से भूनना है, जब तक ये तेल को छोड़ नहीं दे मसाले। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी नमक, नमक मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि बॉईल करते हुए मैंने राजमा के अंदर थोड़ा नमक डाला था, तो जितना आप राजमा के अंदर नमक डाल रहे हैं उसी हिसाब से आप सब्जी के मसाले में भी नमक डालें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने जो राजमा के अंदर नमक डाला है और उस हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मसाले के अंदर नमक डाल देते हैं तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है 1/2 चम्मच के हिसाब से, और इसे अब हम अच्छी तरह से जो है भुनने देते हैं मसाले को। थोड़ी देर में ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे बॉयल राजमा। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारे बॉयल राजमा। ये देखिए, राजमा डालने के बाद इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे गैस को रखते हुए पकने दीजिए, ताकि वैसे तो सब कुछ उबला हुआ है ये, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए आप इसे ढक के पका लीजिए, या बिना ढके भी आप पका सकते हैं, और आपकी जो सब्जी है वो रेडी है। जी हाँ, राजमा की सब्जी आपकी तैयार है। तो यहाँ देखिए ये बॉईल हो चुके हैं, तो हमारी जो है सब्जी रेडी हो चुकी है राजमा की।
और मैंने थोड़ा सा इसको जो है तरी वाली बनाई है, पानी वाली बनाई है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हैं। इसमें पानी कम डालिए क्योंकि इसमें मैंने आधा गिलास पानी और डाला था, क्योंकि जब आप चावल के साथ खाते हैं तो मुझे औरों को पता नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या है थोड़ी सी तरी वाले राजमा अच्छे लगते हैं चावल के साथ खाने में, तो इसलिए जो है मैंने इसमें पानी किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे गाढ़ा भी बना सकते हैं। तो ये राजमा की सब्जी हमारी रेडी है, और उधर मैंने आपको जीरा राइस भी दिखा दिए हैं। तो ये हमारे तैयार हैं राजमा चावल, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और बच्चे काफ़ी देर से कह रहे थे कि मम्मी कब बनेंगे कब बनेंगे, तो बस मैं उन्हें जो है इन्हें पकड़ा देती हूँ ताकि वो लोग खा लें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। तो राजमा चावल है ना बहुत ही टेस्टी बने हैं। और तो चावल की जो रेसिपी है जीरा राइस की, वो मैंने कई बार शेयर कर दी, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया, बस मैंने राजमा ही दिखाए हैं। और बच्चों ने तो खा भी लिए हैं, ये अभी नहीं आए हैं। बच्चे राजमा चावल कर रहे थे कि मम्मी राजमा चावल बनाओ, लेकिन क्या है कि जब डाले ना उनको खाने के लिए तो पूरे खाए भी नहीं, छोड़ दिए हैं। ध्रुव ने तो, ईशान ने शायद पूरे खा लिए हैं, तो मैं उसके वो राजमा चावल खा लेती हूँ। तो ये आ गए थे 8:30 9 के आसपास। फिर ये दूध लाए थे जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, नहीं तो अगर लेट गर्म करूँगी तो ये ठंडा नहीं होगा, फ्रिज में नहीं रखा जाएगा। साथ में लाए हैं मक्के की सब्ज़ी, मक्के और बेसन की सब्ज़ी, जो कि मेरी बीच वाली देवरानी बनाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ये सब्ज़ी, तो वहाँ से लेके आए हैं। तो आज तो भाई राजमा चावल भी हैं विद मक्के की सब्ज़ी, तो अच्छी खासी जो है पार्टी हो गई है। तो चलिए हम इसे इंजॉय करते हैं, और मैं जो है रोटी बना देती हूँ पहले। तो खाना पीना हो चुका है, मतलब सब हमने खा लिया है, लेकिन ये खा रहे हैं लेट आए थे। आते ही बच्चों ने जो कहा है कि हमें फिल्म देखनी है, तो ये किसी का प्रोजेक्टर लेकर आए थे, तो उससे वो लोग फिल्म देख रहे हैं।